नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गोल 360 शो में, जहां पर आज पूरी सोने की बात होगी। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आपके लिए यहां पर लेकर आएंगे। बात करेंगे अमेरिका में इस महीने के अंत में होने वाली FOMC की बैठक की, साथ ही 1 फरवरी को पेश होने वाले इंटरिम बजट की, साथ ही मार्च में दरें घटने की जो उम्मीद है, जिससे सोने में यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ नजर आया था, वहाँ पर अब क्या चैलेंजेस हैं। सवाल ये उठता है कि सोने में निवेश का क्या ये सही समय है, और अगर हाँ तो निवेश कैसे करना चाहिए। सोने में निवेश के कौन कौन से विकल्प आपके लिए मौजूद हैं, क्या सोने का वायदा कराएगा आपका फायदा, या फिर स्पॉट में गोल्ड खरीदना होगी समझदारी। इन सभी सवालों के जवाब दे जानेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और BN वैद्यन एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे अपने साथ GJC के चेयरमैन संयम मेहरा को, और साथ ही विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड CEO महेंद्र लुनिया को। लेकिन पहले प्राइसेस को यहां पर देख लेते हैं, और पिछले साल ऑल टाइम हाईज बनते हुए जरूर नजर आए, और उसके बाद मुनाफा वसूली। सो अपने हाईज से सोना इस वक्त $100 मंदी में चल रहा है। अब बाजार को लगने लगा है इस हफ्ते जिस तरह के इन्फ्लेशन और PMI के डेटाज आए हैं कि शायद मार्च में US फेड रेट कट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो सोना अपनी स्टीम कितनी लूज कर सकता है, इसी पर पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप यहां पर इन प्राइसेस को करंटली, एंड यहां से अब क्या लगता है कि कहां जा सकते हैं मार्केट्स, कैसे कारोबार करना चाहिए कुणाल? नमस्ते मनीष जी, देखिए कुणाल, आपको फिर से जोड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे, आपकी लाइन बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन भार्गव भाई, आप कैसे देखते हैं गोल्ड की प्राइस मूवमेंट एज ऑफ नाउ? एनीवे, पहले हैप्पी न्यू ईयर। आज आपका पिचलन का भी बर्थडे है शायद? हाँ जी, आवाज के 19 साल आज पूरे होते हैं। हाँ, सो हैप्पी बर्थडे आपको एज अ चैनल। और गोल्ड जैसे आप कह रहे थे, बात कर रहे थे कि गोल्ड में हाई से काफी लो $100 नीचे है, एक और छोटा सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर ये लेवल एक बाइंग लेवल होगी। आज भी अगर आप लेके चलेंगे तो नुकसान में नहीं रहेंगे, मगर एक डिप हम एक्सपेक्ट करते हैं जो यहाँ से $50 के करीब नीचे होगा, $50 से $60 नीचे होगा, विच विल बी अ वेरी गुड बाइंग। भार्गव भाई, जो अगली ट्रांच है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, वो फरवरी में आने वाली है। आई नो कि ये जो दिसंबर में भी यहाँ पर जो ट्रांच आई थी, काफी लोगों ने वहां पर खरीदारी करी है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि सोना लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना होता है, तो क्यों ना SGP के थ्रू ही खरीद लें। यहाँ पर कैसे देखते हैं आप जिस तरह की अवेयरनेस फाइनली, और जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने इस प्रोडक्ट में आता हुआ देखा है? देखिए, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसमें एक तो ज्यादा चीज एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि भाई अगर वो ऑन टैप हो जाए या इजी अवेलेबिलिटी हो जाए रेगुलरली, और आपको पता है मैं ये दिन पे ले पाऊंगा तो बहुत बेनिफिट होगा। और मगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बाइंग बढ़ेगी, और फेब्रुवरी का जो ट्रेंच है परहैप्स वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांचेस इन रिसेंट टाइम। मैं जरूर बाय करने वाला हूँ, करूंगा इसमें, और मैं सभी को बोलूंगा कि जितना भी पॉसिबिलिटी हो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। भार्गव भाई, एक बात हम लगातार यहाँ पर करते आए हैं कि जिसने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सोने में निकल के आए हैं, उसका कोई भी बहुत बड़ा फर्क फिजिकल बाइंग में आता हुआ नजर नहीं आया है। जो फिजिकल बाइंग है वो तो ज्वेलरी बाइंग है, उसको आप कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मगर जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है, जो बाइंग आप बोल सकते हैं कि ये मैं कभी कभी कन्वर्ट नहीं करता हूँ, उसमें डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के हिसाब से फिजिकल इनटेक थोड़ा कम हुआ। और जिसको कलेक्शन करना है उनके लिए भी डिजी गोल्ड एक वो बहुत अच्छा मीडियम रहा है, उसको पिकअप करने को टाइम लगेगा, और वो भी एक अच्छा मीडियम रहा है। मतलब डिजी गोल्ड जो है वो आज की तारीख में इट इज बैक्ड बाय 100% फिजिकल बाइंग, सो उसमें आप वो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद अगर आप डिजी गोल्ड को अलाउ करेंगे कि आप EGR में इन्वेस्ट करिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, जिस तरह से ये प्रोडक्ट मैच्योर होगा तभी आपको ये इम्पैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आएंगे, एक दिन में तो नहीं हो जाता।
भार्गव भाई, जिस तरह से हमने काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आते हुए देखे हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, जिस तरह से एक्सपेंशंस हैं और न्यूअर जनरेशन्स यहाँ पर कारोबार में आ रही हैं, जब हम फिजिकल गोल्ड की यहाँ पर बात करते हैं, आप कहेंगे ऑफकोर्स बीच में कि यहाँ पर लल पीरियड था, थोड़ा सा हमने ये बात भी होते हुए देखी कि थी नेक्स्ट जनरेशन शायद इस ट्रेड में नहीं आएगी, कुछ और वो ढूंढ रहे हैं बाहर, वो फिर से वापस चेंज हुआ है? देखिए, अपना बेस इतना पर कैपिटा बेस इतना छोटा है कि फिजिकल बाइंग बढ़ने की काफी उम्मीद है, और मार्केटिंग एबिलिटी जो हमारी ज्वेलर्स कम्युनिटी की है वो बहुत ही बढ़िया है, और फैसिलिटी जिस तरह से ऑनलाइन बाइंग की जितनी बढ़ेगी, नया जनरेशन जो हम लूज कर रहे थे वो वापिस आएगा, और एक बीच में एक माहौल था कि ज्वेलरी में या गोल्ड बाइंग में एक कॉन्फिडेंस घट रहा था, आई डोंट ट्रस्ट माई ज्वेलर, आई डोंट ट्रस्ट माई सप्लायर, जो हॉलमार्किंग और बार सर्टिफाइंग से वो वापिस आ गया है, तो ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट वापिस 100% हो गया है, तो बाइंग बढ़ेगी। ऑल राइट, तो बाइंग तो पक्के तौर से यहाँ पर बढ़ेगी, और जैसे भार्गव भाई कह रहे हैं कि फेब में जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांश आने वाली है उसमें वो डेफिनेटली खरीदने वाले हैं, तो एक प्राइस चेक भी ले लेते हैं। कुणाल हमारे साथ यहाँ पर फिर जुड़े हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस, क्योंकि जनवरी 2024 की शुरुआत अभी तक यहाँ पर बहुत बेहतरीन नहीं है? अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है लॉन्ग टर्म में गोल्ड पे, बिकॉज एक चीज समझिए, यूएस की जो डेट है वो पिछले 4 महीने में फास्टेस्ट पेस में बढ़ी है, सो जब ये डेट बढ़ती है तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है यहाँ से, और लेट अस अज्यूम यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, तो ये दोनों सिनारियो यूएस के लिए आइडियल नहीं है, बिकॉज उनको उनकी डेट सर्विस करने के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है आगे जाके, क्योंकि यही लेवल पे अगर इनकी इनको डेट सर्विस करने के लिए उन्हें उनकी बॉन्ड यील्ड नीचे चाहिए, और जब बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, कब जब आएगी बॉन्ड यील्ड नीचे, जब फाइनेंशियल कंडीशन रिलैक्स होगी, और फाइनेंशियल कंडीशन रिलैक्स करने के लिए इनको रेट कट करना ही होगा, सो नो मैटर ये छोटे मोटे एबरेशन, ये छोटे मोटे झटके गोल्ड मार्केट में आते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पूरे वर्ल्ड का डे बाय डे खराब होते जा रहा है, मिडिल ईस्ट, रशिया और नेटो, चाइना, ताइवान, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, सो जियोपॉलिटिकल फ्रंट से तेजी है। सेकेंड, जैसे मैंने कहा, यूएस हैव टू डू इंटरेस्ट रेट कट नो मैटर वॉट, वो भले 1 महीने इन्फ्लेशन बढ़ के आए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा 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 और 100% होगा। थर्ड चीज, डॉलर इंडेक्स कमजोर होने वाला है। फोर्थ चीज, सेंट्रल बैंक्स विल कीप बाइंग गोल्ड इवन इन दिस ईयर, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर वेयर मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड लेते ही रहेंगे। रशिया है, चाइना है, इंडिया है, वी ऑल हैव टू बाय गोल्ड, वी हैव नो चॉइस, वी आर नॉट गोइंग टू बाय यूएस ट्रेजरीज। फोर्थ, जब इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो पिछले 8 महीने से लगातार, पिछले 2 साल से ETF का कोई इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में गोल्ड ETF वाले में भी बाइंग आएगा इन्वेस्टर का। तो ये सब फैक्टर मुझे बहुत क्लियर कट दिखा रहा है, गोल्ड 2300-2400 डॉलर की ओर जा रहा है, और छोटे मोटे झटके, छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी, बट द इवेंचुअल टारगेट इज 2300 फर्स्ट, 2400 फर्स्ट सेकेंड, ये मुझे लग रहा है बाय द ईयर एंड वी आर गोइंग टू रीच दीज लेवल्स। ऑल राइट, अब कुणाल भार्गव भाई ने तो कहा कि वो यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने वाले हैं, आप जब इतना बुलिश हैं गोल्ड में, आप सोने में निवेश कैसे कर रहे हैं? सो आई अग्री विद भार्गव भाई, इट्स द आइडियल प्रोडक्ट फॉर द इंडियन कंज्यूमर, एंड इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, सो ये अगर आप सॉवरेन गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट। नंबर थ्री, इट इज ऑल्सो टारगेटेड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग डाउन द इम्पोर्ट ऑफ द गोल्ड बींग अ फाइनेंशियल असेट। सो सभी आप राय से देखेंगे तो मेरी राय में ये बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है, और इसमें ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुणाल, ये तो आपकी राय है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं?
See, when I am talking about myself, I prefer gold, sovereign gold bond. So, मेरा personal inclination भी is towards sovereign gold bond. All right. अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, final सवाल आप दोनों से, कि budget आ रहा है और क्या कुछ आप यहाँ पर at all expect कर रहे हैं कुणाल commodities या gold के लिए? ड्यूटी कट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है करंट हाल में. गवर्नमेंट इज ऑन द एक्सपेंशन स्केल राइट नाउ. आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी अ ड्यूटी कट. भार्गव इज अ बेटर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, ही विल थ्रो अ लाइट ऑन इट. भार्गव भाई कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वोट ऑफ अकाउंट है लेकिन फिर भी बाजार को लगता है कुछ तो आ ही जाएगा. आई थिंक एक बार मैंने आपके प्रोग्राम में मनीषा कहा था कि आई विश गवर्नमेंट फॉरगेट्स आवर ट्रेड. मैं आज वही कहूंगा. एंड एक आप याद रखिए कि दिस इज वोट ऑन अकाउंट, तो बहुत ज्यादा बेसिक चेंजेस हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक मैं कॉशन कहूंगा कि जो हम आज फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे एक दो ब्लॉक से बातचीत चल रही है, कल यूके के साथ कुछ हुए, सेपा में तो मिडिल ईस्ट के साथ है, उस हिसाब से कुछ सेक्टर में अगर बेनिफिट दिया जाएगा तो वो गोल्ड पे थोड़ी इम्पैक्ट आएगी. ड्यूटी सेपा में अगर बढ़ेगा तो 1% अपनी ड्यूटी कम होगी, उस हिसाब से भी आई डू थिंक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ ऑल द फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट. विच थिंग और जगह पे हमें फायदा कर रहा होगा तो गोल्ड में वो लोग ड्यूटी थोड़ी कम करेंगे. एब्सोल्युटली. तो वो है, सोना तेजी की तरफ है और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि वो कैसे खरीदारी कर रहे हैं और बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं है या सरकार हमें देखे ही ना तो भी हम खुश हैं की तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आती हुई. बहुत शुक्रिया कुणाल भार्गव भाई, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जोड़ेंगे जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा को और हमारे साथ होंगे विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के महेंद्र लोनिया. पहले यहाँ पर संयम मेहरा से करेंगे. संयम, IIJS और GJC के अपने इतने सारे शोज होते रहते हैं इंडियन मार्केट्स में, यहाँ पर किस तरह का फीडबैक है, कैसा लगता है बाजार? क्योंकि जो भी बैंक्स ब्रोकरेजेस वाली रिपोर्ट्स हैं सभी कहती हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री यहाँ से बहुत चढ़ेगी. देखिए जितने भी शोज हो रहे हैं उसके अंदर कस्टमर्स पूरे देश से मुंबई में आते हैं, नई ज्वेलरीज देखते हैं. दिसंबर का महीना ज्वेलर्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, इतनी अच्छी बाइंग नहीं हुई क्योंकि सब लोग वेट करते हैं कि 13 तारीख को जो पोंगल आएगा, मकर संक्रांति आएगी, उसके बाद ही कस्टमर्स आएंगे. उसके पहले जो ये 7-8-9 जो एग्जीबिशन थी उसके अंदर अच्छी बाइंग हुई, रिटेलर्स ने माल खरीदा और उसके बाद नए डिजाइनिंग देखे. और अभी आने वाले टाइम के अंदर ये भी सोच आ रही है एंड कंज्यूमर्स को ध्यान में आ गया है कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे. आज अगर रेट्स थोड़े से 1-2% कम हुए हैं, जैसे $2,150 का भाव था, अभी 20,046 के आसपास का भाव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अचानक से एक रात के लिए बढ़ा है. लेकिन लॉन्ग टर्म की तेजी कंज्यूमर के माइंड के अंदर है तो सिस्टमैटिकली आज भी बाइंग एंड कंज्यूमर सिस्टमैटिकली करते जा रहा है. और जैसे 58 इलेक्शंस सब कंट्रीज के इस साल के अंदर होंगे, उस वजह से भी गोल्ड के जो रेट्स हैं $2,300 to $2,400 होंगे. और ये हम पिछले 2-3 महीने से बोलते आ रहे हैं जो कंज्यूमर्स के माइंड के अंदर भी आ गया है. तो जब रेट्स अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 68,000 के करीब आएंगे ये साल में, तो उसी हिसाब से कस्टमर की बाइंग अच्छी है. एक महीना आता है जनवरी का 15 तारीख से फरवरी एंड तक अच्छी बाइंग होती है, मार्च के अंदर बाइंग कम होती है, फिर अप्रैल के अंदर वापस अक्षय तृतीया की बाइंग चालू हो जाती है. तो 10 मई को ये साल आएगा, सो बाइंग अच्छी रहती है. अप्रैल के अंदर भी 2-3 शोज लाइंड अप हैं. सो इस सोच से मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स भी पूरी तैयारी करते हैं और रिटेलर्स भी तैयारी करते हैं. हर सीजन के अंदर एंड कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डिजाइंस देखने को मिलते हैं. एब्सोल्युटली. तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पर कही. एक तो ये कि सोने के ऊपर के भाव लोग डाइजेस्ट कर चुके हैं, यहाँ से और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है. दूसरा ऑफकोर्स इलेक्शंस हैं इंडिया में नहीं बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में भी. और तीसरी चीज़ कि सिस्टमैटिक बाइंग अब यहाँ पर लोगों को समझ आने लगी है, जिसका फ़ायदा ऑफकोर्स यहाँ पर गोल्ड ने उठाया है. संयम, साथ ही साथ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? देखिए हम हर साल बोलते हैं कि कस्टम ड्यूटी 4-5% घटाई जाए, लेकिन मेरी लास्ट इंटरेक्शन जब हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से तभी माइंडसेट ऐसा नहीं लगता है कि कस्टम ड्यूटी घटेगी, क्योंकि जब हमने एक्सप्लेन किया था कि स्मगलिंग का कारण है कस्टम ड्यूटी के इंक्रीज, लेकिन उनका एक मानना है कि इसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं है. सो मुझे लगता है कि इनको जो कस्टम ड्यूटी से रेवेन्यू आ रहा है वो है. मैं नहीं चाहता हूँ कि कस्टम ड्यूटी और बढ़े. नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, मैं हर साल यही कहता हूँ. जितनी ड्यूटी है एंड कंज्यूमर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया उस ड्यूटी को,
3% जीएसटी लगता है, 18% है। फरवरी में तो कुछ नहीं होगा, आने वाले उसके बाद जो इलेक्शन ईयर के बाद जो जून जुलाई का आता है उसके अंदर हम परस्यू करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस दे के कि इसको किस तरीके से घटाया जाए। और फिलहाल यही रेट है क्योंकि आज भी कंज्यूमर अगर 64-65,000 में गोल्ड खरीदता है तो उससे 1% या 2% में उसको बायबैक वापस मिल जाता है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर जाके जो कस्टमर्स जाते हैं इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए, वो कुछ लेवल का ज्वेलरी जो बाय करके आते हैं उससे डोमेस्टिक रिटेलर्स को काफी इफेक्ट होता है कि प्रेजेंटेशन हम काफी बार दे चुके हैं। एब्सोल्युटली, और ये बात हम पहले भी यहाँ पर कर भी चुके हैं, लेकिन संयम साथ ही साथ अब यहाँ पर एज एन इंडस्ट्री या फिर एज संयम मेहरा, आप 2024 कैसे देखते हैं? आपने अपने लिए यहाँ पर क्या टारगेट सेट किए हैं? देखिए, हर साल जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का टारगेट रहता है कि 10% की ग्रोथ आनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन लेवल्स के अंदर, हमारे सेल लेवल्स के अंदर और हमारी डिजाइनिंग के अंदर। सो वही चीज से हम भी अपनी सोच से चल रहे हैं अपनी कंपनी के लिए भी, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये मोटिवेशनल है। हम फॉर ऑल आर मेंबर्स हम 2 शोज जीजेस के करते हैं, 3 प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स करते हैं जिसके अंदर अच्छे बायर सेलर्स की कनेक्ट आती है उसके अंदर। सो उससे क्या होता है कि कम से कम रिटेलर्स और होलसेलर्स का व्यापार बढ़ता है। 800 टन्स की जो इम्पोर्ट आ रही है वो है, लेकिन हमारी सोच यही रहती है कि गोल्ड पॉइंट्स और बाहर से हटके थोड़ा सा ज्यादा लोग अपना ज्वेलरी की तरफ रुझान रखें। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। महेंद्र जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं 2024, आपके टारगेट्स क्या हैं और आप भी कुछ बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो आवाज को और आपके पूरे टीम को, 19 साल पूरे किए हैं आपने, करोड़ों लोगों को आपने फाइनेंशियली लिटरेट किया है, उनको डिटेल्स बताए, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू और शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको। आते हैं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पूरे साल में गोल्ड का जो रेट है वो अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने आपकी और कुणाल जी भार्गव जी की भी बात सुनी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी जो टारगेट दिए है वो हिट होते हुए दिखेंगे $2,200-2,300 के। पिछली बार भी हमने बात करी थी 68,000 डिसंबर एंड तक होना चाहिए और वो होके रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे कुणाल जिस प्रकार से बात कर रहे थे वही चीजें हमें कई रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है और जिसके कारण गोल्ड की जो रेट है मुझे नहीं लगता कि 68,000 रुकेगा, पॉसिबली 68,000-72,000 तक दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए गोल्ड में निवेश कंटिन्यूअसली होना ही चाहिए और होता रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर ऑफ कोर्स बरकरार रह सकती है और आने वाले समय में गोल्ड में खरीदारी करें, यही हमारे सब एक्सपर्ट्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन समय की कुछ किल्लत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सोने में आगे जाकर भी यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशन, तो वो 360 डिग्रीज व्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।